साथियों नमस्कार, थोड़ा आगे बढ़ जाइए। देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये है देसी आम। ये वो आम है जो देसी हमारे जो पौधे होते हैं आम के, उनके फल प्राप्त किए, बाग से प्राप्त किए फल है। मित्रों बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आज आम की आ गई है हमारी मार्केट में, उसमें दशहरी बहुत फेमस है। लेकिन अगर हम इन देसी आमों की बात करें तो आज की डेट में भी ये देसी आम बहुत टेस्टी और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। लेकिन चूँकि हम दशहरी का ग्लैमर है तो हम इसको कहीं ना कहीं पीछे ही छोड़ गए हैं। हम आज इनके बारे में कुछ, एक आम में भी एक बहुत खास बात है, बता दिया जाइए, आम में भी एक बहुत खास बात है। आम बहुत कम समय की फसल होती है और मोस्टली इसका जो कंजप्शन है वो हम इफ़िशेंटली नहीं कर पाते। बहुत जल्दी फसल पकती है, पकने के बाद वो जैसे तैसे आदमी उसको कंज्यूम करता है, लेकिन ज़्यादातर फसल डिटेरियोरेट हो जाती है, उसका जो स्वाद नष्ट हो जाता है। अगर हम देखते हैं जो मार्केट में चीज़ें हैं आम से मिलती जुलती, उनमें बहुत से ऐसे टॉक्सिक है, बहुत से प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं जो कि बड़े हार्मफुल हैं। तो कैसे हम चीज़ों को उसके कंजप्शन में कैसे हम थोड़ा सा ग्लैमर बनाएं, कैसे उसको अच्छी तरीके से उपयोग करें ताकि बच्चे भी उसको पसंद करें, इस विषय पर हमारा एक आइडिया छोटा सा है, बहुत बड़ा आइडिया नहीं, थोड़ा सा मिलेंगे छोटा सा आइडिया। जैसे जो देसी आम है इनको जब हम खाते हैं तो एक एक आम खाते हैं, इसकी जगह हम सभी आम को धो लें, उसके बाद ये आम को यहाँ पर निकालें, ऐसे निकाल करके हमने छिलकों से इनको, इन आमों को हमने ऐसे गुठली निकाल करके और इनका जो रस है वो हमने निकाल लिया। ऐसे रस निकाल करके इनके छिलकों को पीस लेते हैं, ऐसे थोड़ा पास कर दो, थोड़ा निकाल लें, उसके बाद पास कर दो। हम फ्रेंड तो ये ऐसे इसको मैश करके और हम जूस को दोनों हाथों से अच्छी तरीके से मैश करके इन गुठलियों को अच्छी तरीके से पीस करके और सारे जूस को हम निकाल लेते हैं। क्योंकि देसी आम खाने में थोड़ा सा टफ होता है, तो उसका जो कंजप्शन है सही से हो जाए, टेस्टी होता है, न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन उसको खाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, कंज्यूम करने में दिक्कत होती है, क्योंकि गुठली बड़ी होती है और थोड़ा सा खट्टापन भी होता है, इसलिए दांत भी खट्टे हो जाते हैं जब इसको हम डायरेक्ट खाते हैं। तो डायरेक्ट ना खा करके हम ऐसे करके, हम जैसे मैंगो फ्रूटी होती है वैसे हम बस ये जूस बन गया। अब इस जूस को हम टेस्ट के साथ पियेंगे और इन्जॉय करेंगे। और कौन लेगा जूस? सब लेंगे थोड़ा। चले वाह, टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, नाइस, तो यम्मी, ये तो दूर से भी ज्यादा टेस्टी लग रहा है, ये बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। मित्रों ऐसे ही सभी लोग निकाल करके हमारे देसी आम को उपयोग करें और देसी बाग भी लगाएं ताकि हमारा देसी फ्लेवर और टेस्ट भी हमारा बना रहे। थैंक यू मित्रों, देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो के साथ पीने को भी मिल गया।